कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं, और मुंबई सोए भी तो सोए कैसे। जिस शहर को समंदर के थपेड़े सुबह से शाम तक सहलाते हों, लहरें ताजगी देती रहती हो, और जिस शहर पर देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने का भार हो, वो भला सोए कैसे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर में अक्सर शेयर मार्केट की बिल्डिंग और उसके स्क्रीन पर चलते हुए नंबर जरूर देखे होंगे। ये नंबर और ये बिल्डिंग देश की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। अगर रिजर्व बैंक को देश की अर्थव्यवस्था का दिल माने तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से ही इस दिल को खून जाता है। ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ही हैं जो एक दशक से हर उतार चढ़ाव को देखते हुए देश की इकोनॉमी को थामे हुए हैं। एशिया के इस सबसे पुराने एक्सचेंज की स्थापना का श्रेय चार गुजराती और एक पारसी शेयर ब्रोकर को जाता है। 9 जुलाई 1875 को शुरू हुए ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज करोड़ों लोगों के जीवन जीने का एक जरिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नामक एक एसोसिएशन के रूप में हुई थी। एक बरगद के पेड़ के नीचे 318 व्यक्तियों ने 1 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ शेयर बाजार शुरू किया था। चर्चगेट इलाके में हार्डनीमन सर्कल के टाउन हॉल के पास बरगद के पेड़ के नीचे दलाल इकट्ठा होते थे और शेयरों का सौदा करते थे। बाद में यह जगह दलाल स्ट्रीट के रूप में विख्यात हो गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स या BSE सेंसेक्स लाखों भारतीयों की जीवन रेखा है। इसे BSE 30 या सिर्फ सेंसेक्स के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पूंजी बाजार के विकास में इस एक्सचेंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके सूचकांक पर दुनिया भर की निगाहें रहती है। BSE में 5000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। पिछले 140 साल से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतीय बाजार की पूंजी व्यवस्था का निर्धारण कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। यह खिताब BSE को बाजार पूंजी के आधार पर मिला है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की इस बिल्डिंग के पास आपको अक्सर कुछ लोग एक छोटी डायरी पेन लेकर कुछ लिखते हुए मिल जाएंगे, या फिर टकटकी लगाकर अनवरत नंबरों वाले स्क्रीन को देखते। ये नंबर ही इन लोगों को नफा और नुकसान बताती है। ये नंबर ही इनकी हार्ट बीट है, जो कभी कभार ICU में भी चली जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद सांस लेती है और आगे बढ़ने लगती है। इस बिल्डिंग में लगा बुल प्रतीक है उछाल और लाभ वाले बाजार का। बुल शब्द के पीछे धारणा यह है कि बुल यानी सांड हमेशा सिंह ऊपर करके हमला करता है, इसीलिए इसे उछाल और लाभ वाले बाजार का प्रतीक माना गया है। और मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज भी उछाल और लाभ वाला बाजार है, जिसमें जोखिम है तो जवानी भी है, जिसमें ठहराव है तो उछाल भी है, जिसमें नंबर है तो अल्फाबेट भी है। फिर इंतजार किस बात का, एक बार मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में भाग्य आजमाने आइएगा जरूर। क्या पता बुल आपके लिए फायदा लेकर आए और आप बाजार के बॉस हो जाएं।